हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह अनाउंस किया है कि दिल्ली के हर एक यूजर को फ्री वाईफाई का सर्विस मिलेगा। 16 दिसंबर से दिल्ली के हर एक व्यक्ति को फ्री वाईफाई मिलेगा, जिसका लिमिट होगा 1.5 GB पर डे। हर एक व्यक्ति 1.5 GB पर डे यूज कर पाएगा और हर एक हॉटस्पॉट अराउंड 100 से लेकर 200 लोगों को फैसिलिटेट कर पाएगा वाईफाई की सर्विस से। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ऑल ओवर दिल्ली टोटल 11,000 हॉटस्पॉट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर वाईफाई सर्विस के लिए, ताकि हम और आप जैसे लोग फ्री वाईफाई यूज कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि इस वाईफाई के साथ, हर एक वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ सीसीटीवी कैमरास भी जोड़े जाएंगे, ताकि ये सीसीटीवी कैमरास हमारी सिक्योरिटीज को इम्प्रूव कर पाए। हाल ही में जो रेप केस हुआ था, इसके लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये सीसीटीवी कैमरास, अगर हर एक 11,000 हॉटस्पॉट के लिए एक एक सीसीटीवी कैमरा हुआ या दो दो सीसीटीवी कैमरा हुआ, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है हमारे सिक्योरिटी के लिए, विमेन सिक्योरिटी के लिए। और ये एक मुंहतोड़ जवाब है पास्ट रेप केस के ऊपर। अभी हम बात करने वाले हैं टिकटॉक ऐप के ऊपर। एक बहुत ही जाने माने यूजर है जिनका नाम है फिरोजा अजीज। वो बेसिकली एक मेकअप आर्टिस्ट है। टिकटॉक ऐप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वो सबको मेकअप करना सिखाते हैं। बस एक दिन हाल ही में वो ऐसे ही एक मेकअप का वीडियो में कुछ मैसेज देना चाहते थे। उनका मैसेज ये था कि यूएसए में, चाइना में और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में जो इमिग्रेंट्स रहते हैं, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो टॉर्चर होता है, जो अत्याचार होता है, बस उसी के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश किया था फिरोजा अजीज ने। तो बस इसी बात पे टिकटॉक ने उनका अकाउंट बैन कर दिया। बस यही वीडियो देखकर टिकटॉक ने उनका अकाउंट बैन कर दिया और एक्सप्लेनेशन ये दिया कि वो टिकटॉक के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सारे मीडिया, न्यूज़ मीडिया, बीबीसी, हर एक न्यूज़ को ये मैसेज इतना वायरल हो चुका था। हर एक मीडिया फिरोजा अजीज को अप्रोच किया, हर एक मीडिया ने, और फिरोजा अजीज ने सबको ये एक्सप्लेनेशन दिया कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ टिकटॉक, मैं ऐसे वीडियो और बनाते रहूंगी, इमिग्रेंट्स के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाते रहूंगी। और बस इसी दौरान फिरोजा अजीज रात ही रात में बिलियन फॉलोअर के एक यूजर बन गए। वो मतलब उनका अभी मिलियन फॉलोअर्स है अराउंड टिकटॉक में अभी। तो कर लो चूतिया पे यार टिकटॉक। मुझे एक बात समझा, सबको एक बात समझा, जब लोग ऐसे चुतियापो वाले वीडियो बनाते हैं ना, अभी देखो ये चुतियापो वाले वीडियो, लोग वीडियो बैन नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। ये क्या सीख दे रहा है ऐसे टाइप का वीडियो। और एक लड़की बस अपने मेकअप के वीडियो के द्वारा एक बस आवाज उठाना चाहती है, एक वैल्यू लाना चाहती है, एक कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको आप बैन कर देते हो। नवंबर 2019 लैरी पेज अनाउंस दैट सुंदर पिचाई विल बी द न्यू सीईओ ऑफ अल्फाबेट आईएनसी। लैरी पेज स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ फ्रॉम अल्फाबेट आईएनसी। जी हाँ, अल्फाबेट आईएनसी एक ऐसी कंपनी है जो गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी है, जिसे रिस्ट्रक्चर किया था 2015 में। अल्फाबेट आईएनसी गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जो गूगल को छोड़ के और भी कई सारे बिजनेसेस को मैनेज करती है, जैसे लाइफ साइंसेस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, डीप लर्निंग एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, इन लोगों का बहुत सारे प्रोजेक्ट है यूके में, वो एक और बिजनेस हो गया। ये सब अल्फाबेट हैंडल करती थी गूगल को छोड़ के, और गूगल तो एक बहुत बड़ा सब्सिडियरी है ही अल्फाबेट आईएनसी का। तो लैरी पेज का यही कहना था कि देर इज
नो बेटर मैन देन सुंदर पिचाई हु कैन मैनेज दिस कंपनी। जैसे गूगल का जैसे इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, गूगल का सीईओ जब सुंदर पिचाई बन गए, उसके बाद गूगल का काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ। तो बस इसीलिए लैरी पेज ने डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करके कि सुंदर पिचाई विल बी द न्यू सीईओ ऑफ अल्फाबेट आईएनसी। अभी ये न्यूज़ सुनकर इंडिया के काफी नल्ले इंजीनियर्स जो है, जो फेसबुक में मीम्स बनाते जाते हैं, वो अभी ये मीम्स बनाते रहेंगे कि इंजीनियर्स आर एवरीवेयर, सीएम से लेकर एक्टर तक, एक्टर से लेकर गूगल के सीईओ तक, गूगल के सीईओ से लेकर फाइनेंशियल बैंकर तक, सब लोग इंजीनियर्स हैं। हाँ, बात तो सही है, सब लोग इंजीनियर तो जरूर है, लेकिन देखते हैं कि इंजीनियर्स कितने वैरायटी ऑफ जॉब्स तक स्प्रेड आउट हो चुका है। अभी इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स है, कितने वैरायटी ऑफ जॉब्स तक ग्रेजुएट हो चुका है। देखिए, अभी 7,000 इंजीनियर तमिलनाडु। जी हाँ, सैनिटरी वर्कर्स क्या करते हैं, रोड में, पब्लिक प्लेसेस में झाड़ू मारते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, बस साफ सफाई वाले काम, जितने भी सैनिटरी रिलेटेड काम है वो सब करते हैं, साफ सफाई और ये सब, झाड़ू मारना, पोछा करना, जो जो भी काम है, कचरा उठाना, कूड़े उठाना, ये सब सैनिटरी वर्कर का जॉब है। तो इंडिया में तो भाई इंजीनियर का काफी अच्छा डाइवर्सिटी हो चुका है, अभी जॉब के परस्पेक्टिव से देखना हो तो इंजीनियर्स काफी डाइवर्सिफाइड है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल, और वीडियो को एंड तक अगर आपने देख रखा है तो प्लीज लाइक या अनलाइक की अगर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो अनलाइक कीजिए। और जो लोग नए यूजर्स हैं, जो लोग नए ऑडियंस हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी बहुत नए नए कंटेंट लाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ। और मेरा प्लान है अगले 1-2 महीने में मैं एक नया स्केच तैयार करने वाला हूँ, तो काफी अच्छा कंटेंट मैं लाने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए नए ऑडियंस, और पुराने सब्सक्राइबर्स प्लीज शेयर कर दो यार। थैंक यू।